पता नहीं मिन्नी, कल तक है ना मैं बहुत खुश थी, पर आज मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। मिन्नी, मुझे नहीं करना है सब कुछ। नहीं करना मतलब? और ये सब कुछ मतलब? मतलब ये शादी। मिन्नी देखा ना तूने, लोग क्या क्या कहेंगे। यार क्या है यार, तू इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीत गई है लेकिन अभी तक ये लोगों से ऑब्सेशन नहीं गया तेरा। हाँ करी तो 35 में शादी 37 इयर्स के आदमी के साथ, सो व्हाट। ठीक है यार, बिग डील। और लोग कौन होते कुछ भी कहने वाले, तुझसे कुछ भी पूछने वाले, तुझे जज करने वाले, कमेंट्स पास करने वाले, तू जवाब ही दे सकती उन्हें? सीधा दे मुंह पे जवाब, या फिर तुझे खुद ही गिल्ट हो रहा है तो इस उम्र में शादी कर रही है। हाँ तो क्या करूँ, जिसकी इतनी बड़ी लड़की हो उसको वो खुद कैसे खुश रह सकती है। Is this what you wanna say, babes? मैं प्रॉब्लम हूँ। क्या करूँ मैं, तू बता। ये जाके मर जाऊँ, जान दे दे। नहीं तो बता ना, टाइम रिवर्स कर दो, क्या करूँ मैं, तू बता मुझे। You know what, babes? Actually, problem क्या है? लोग तुझे इसलिए सुनाते क्योंकि तू सुनती है, तू केयर करती है। You still care कि लोगों पे तेरा इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। यार इमेज के लिए जीना छोड़ यार babes, अपने लिए जी, अपनी खुशियों के लिए जी। तो एक बार उनके कमेंट्स में रिएक्ट करना छोड़ देगी ना, ट्रस्ट मी, लोगों ने अपने आप कमेंट्स पास करना बंद करना। ऐसा नहीं होता है मिनी। ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तू बता कैसे होता है। तो जानती ना लोग ऐसा क्यों कहते हैं, और अगर तू नहीं जानती मैं बता दूं तुझे, क्योंकि वो जेलस है। तेरी खुशी से, तेरी हिम्मत से, तेरी हैप्पीनेस से, तेरे लक से, हर चीज से। ठीक है होने दे तो होने दे, सन्नू की अपना खुश रहे यार। और वैसे भी सोसाइटी के नॉर्म से कोई अलग चीज करो तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होनी है, लोगों को प्रॉब्लम होनी है। ये मतलब थोड़ी ना हम जीना छोड़ देंगे। पर ये कोई उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। हाय हाय, दांत दिखा आपने, तेरे तो आगे की दो दांत ही टूट गए हैं बेब्स। हाय, फेस पे झुर्रियां भी आ गई हैं और पूरे के पूरे वाइट हो गए। खांसते खांसते 80 साल की बुढ़ी हो गई है। खुद ही बोल के खुद ही भूल जाती है। तूने एक बार बोला था, तुझे याद है, जब मैं पैदा हुई थी तो तेरा एक नया जन्म हुआ था, तो लॉजिकली तो तभी 17 साल की है ना। माइनर है तू बेब्स। हाँ माइनर एज में शादी कर रही है, तेरी तो सच्ची में उम्र नहीं यार बेब शादी करने की। असले अच्छा हाथ दे मुझे अपने और मेरी बात अच्छे से सुन यार। एक कदम आगे लेकर तू 10 कदम पीछे लेगी तो ये रास्ता कैसे तय होगा भी, किसी को भी अपनी खुशी के आगे आने मत दे। तेरी खुशी है, तेरा राइट है, भाड़ में जाए सब लोग। यू कांट गिव अप नाउ, डोंट गिव अप प्लीज। मेरी प्यारी बेब्स, ओके सो दिस इज ऑल डन। अभी देख जहाँ ऐसे डेकोरेट किया ना सारे फ्लावर्स यहाँ पर है, वो सारे फ्लावर्स ऐसे भी इधर आएंगे लाइन वाइज, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे हमने ये लाइट्स लगाई है, यहाँ भी लाइट्स लगेंगे, यहाँ भी लाइट्स लगेंगी, ठीक है। इधर बैठेगी बेब्स एक गद्दे पर, ठीक है, तो वो हम तखत वगैरह जो भी है इधर मेंटेन कर लेंगे, और इधर सारे गेस्ट आ जाएंगे। ये सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे ना कल तक पक्का? यस, डोंट स्ट्रेस। चलो एक सेकंड, ये चेस चेस किसने मंगवाई? मैंने मंगाई है यार, कल के गेस्ट के लिए। गेस्ट गद्दे पे बैठेंगे ना यार मिकी, कभी लेडीज का फंक्शन देखा वेखा नहीं क्या तूने? कभी एंट्री नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं। भैया भैया एक सेकंड एक सेकंड, चेस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये चेस नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ प्लीज। अब कल सुबह आके ले जाओगे मैडम, अब यही रेंज पे। अच्छा अच्छा
जी ठीक है फिर फंक्शन के पहले आ जाना बताना टाइम से। ओके मिनी मिक्की एक्चुअली मुझे ना बॉबी वीर जी का फोन आ रहा है वो शायद बाहर आए होंगे मुझे लेने तो मैं ना अभी के लिए जाती हूँ कल मिलती हूँ फंक्शन पे ओके बाय। चल ठीक है बाय प्रीत करे सी यू और सुन रानू आंटी को जरूर लेके आई ठीक है श्योर हाँ चल हाँ चल बाय सी यू सी यू। ओह गॉड कितना सारा काम बचा अभी सो टायर्ड क्या हुआ लाइट क्यों ऑफ की तूने सो प्रिटी यार तू चेंज वगैरह करके आ गया इतनी जल्दी फ्रेशन अप होकर हाँ तुझे टाइम ही नहीं मिला है ना ठीक है उल्टी चेयर करके मत बैठ तेज बोलते झगड़ा हो जाता है इससे नहीं होगा मैं लड़ूंगा ही नहीं तू मुझे नहीं जानता बेस बोलती तो कितनी बड़ी लड़ाकी है मिनी दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठती है और दोस्त को अपना भी वैसे तू फाइटर तो है मिस मिनी वो तो मैं हूं खुद से जो लड़ती है कुछ भी चुप कर बकवास नहीं कर रहा मैं देख सकता हूं तुझे इनफैक्ट मैंने देखा है तुझे कब जब तू नहीं देख रही तुझे पता है मैंने क्या देखा क्या देखा दिलवाले का क्या बात है भाई अरे हनुमान अंकल ये देखो सिटी लग रहा ना कितना एक ही बॉल किया अभी तक भाई जोरदार से डेकोरेशन करवा ली छोरी तूने तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम से मैं कह रहा हूँ कि भाई कल है प्रोग्राम लेडीज का फंक्शन तो उसमें मारी तो एंट्री वर्जित है बैंड रूम है तो कल मुझे भी कहाँ अलाउड है तेरे से पूछा कि किसने होशियार सिंह हमारी एंट्री ना यार भाई हमारी एंट्री कैसे नहीं होगी केवल सॉरी और सुन एंट्री से याद आया भाई इतने बजे तारी एंट्री ना इस घर में समझ गया ना थानेदार की बेटी का घर है ये थोड़ा सोच समझ के आना भाई क्या यार हनुमान अंकल क्यों बेचारे को फालतू में डराते रहते हो यार प्रीत का बॉयफ्रेंड है मेरा फ्रेंड जोन ही है सेफ है ये एकदम कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है ठीक है एंड हाँ हम लोग इसलिए यहाँ पर है क्योंकि जो डेकोरेटर्स वगैरह है ना उनको एडवांस देना है इसीलिए अच्छा हाँ ऊपर ना बेब्स है यार सुबह से उसका मूड खराब है किसी से बात नहीं करी आप एक बार जाओ ना उससे बात करो अरे मम्मी का मूड ठीक ना हुआ क्या अब तक सुबह से रो ही रही है चल कोई ना मैं जाके आता हूँ जरा बात करके आता हूँ अरे सर एक बात है तेरी जो मम्मी है ना ये भी छोटी बालिका जैसी है जी एक बात के लिए कन्विंस करने के लिए इसको घंटों मनाना पड़ता है ठीक देख लीजिए हनुमान सर छोटी सी बालिका को ऐसा ना हो कि चाइल्ड मैरिज के जुर्म में आप गिरफ्तार हो जाओ ठीक है ऊपर मिल रहा फिर तेरे से बात करता हूं तेरा रानी जी मैं क्या देख रहा हूँ मैं वो आंख में कचरा चला गया था थोड़ा सा इसलिए अच्छा मन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्मों की कोई हीरोइन ही नाम थी उसने देख रहा हूँ मैं 16 की सी लग रही है एकदम से मन तो लग रहा है डर के कोई कंप्लेंट ना करा दे कि भाई बाल विवाह हो रहा है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज आपको मिनी ने सब सिखा के भेजा है मिनी ने कुछ ना सिखाया मैं अपने आप ही सिखा पढ़ाया हूँ
पता है मेरे को सब, लेडीज के मामले में ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा, मुझे कल देख के बता सकता हूँ। फेशियल कराया आपने? मन लग रहा है दुकान पे जाना पड़ेगा मेरे को, खुद को भी जाके वहां पे बैठूंगा, फेशियल कराऊंगा, तभी आपके मैचिंग होगा बराबर। दोनों लगने चाहिए ना भाई, एक से एक जोड़ीदार। क्यों दोस्त बैठे हो? मन ने बताओ ये दासी का कारण क्या है? मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं, मेरा मुंह ठीक करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है। तो आप ऐसे कहना चाहते हो कि भाई आपको पता है कि आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, है ना? आपको घमंड है क्या अपनी बहुत ज्यादा ब्यूटी पे? नहीं है। मुझे पता है कि सब कुछ आसान नहीं होगा, अभी तो बहुत सारी बातें सुनना बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी बाकी है, पर मैंने मिन्नी को प्रॉमिस किया है मैं हार नहीं मानूंगी। आप है ना, बेफिक्र रहिए। तब तो कोई दिक्कत ना है ना, ये एक काम करो आप। मेरे क्या एकदम से पेट के ना चूहे कूद रहे हैं, अब मन लग रही है बहुत तेज भूख, जल्दी से पहले कुछ खिला दो तो फिर पेट को शांति मिले। हे भगवान, इतने टेंशन में तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मैंने खाना कैसे नहीं बनाया, ऐसे कैसे भूल गई मैं अभी बना देती हूँ खाना। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, खाना बनाने तो भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हर से ऑर्डर कर लेंगे, होम डिलीवरी करा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, 10 मिनट में बन जाएगा ना खाना। देखो जी, अभी आप ना मकान मालिक बने नहीं हो, थोड़ा सा टाइम, तो तब तक के लिए महाराज हुकुम है ना, वो आप चलने दो। मैं वीर बालिका को पूछ लेता हूँ भाई क्या खाएगी। हाँ 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 हाँ, पर फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए। हाँ कौन से? मैरीगोल्ड, गेंदे का। हाँ हाँ ठीक है, रीजनेबल रेट लगाइएगा भैया। ठीक, टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है, वो ये खतरे क्यों तंग कर रहे हैं अब, क्या डिजाइन्स भेज रहा है ये? ओह नो यार, ये डीजे का हुआ कि इनको टाइम पे आ जाना चाहिए, और स्पीकर का भी देख लेना, कोई भी गड़बड़ हुई पेमेंट से कटेगी। चलो सी यू। कमो आंटी। हाँ हाँ, सुनो ना एक बार। आ रही हूँ। कहाँ गई यार पुलिस? पुलिस मुझसे मिसप्लेस हो गए। अच्छा, हमने जो ये लेडीज फंक्शन का डिसाइड किया था मेन्यू, एक तो था दही पूरी, क्या दही कचौरी, पानी पूरी, छोले भटूरे, लस्सी, छाछ, सब कुछ हो जाएगा मिनी, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अभी तो ये पहला फंक्शन है, जैसे ही शादी का पहला वीक शुरू होगा ना, तब देखना पटियाला बेब्स की केटरिंग सर्विस का कमाल, सब कुछ टॉप क्लास होगा, टॉप क्लास। अरे अपनी बबीता बहन जी की शादी है, हैं? तो कसर थोड़ा ना छोड़ेंगे हम लोग। करेक्ट, थैंक यू। अच्छा मिकी, एक बार देखना है, मैंने सब कुछ नोट डाउन तो कर लिया, तो एक बार सुन ले, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। सी, डेकोरेटर्स, लाइट्स, डीजे, स्पीकर्स, फूड, कटलरी, 6 चीजें, ध्यान ना, सब कुछ हो गया ना, मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना। What? ऐसे क्या देख रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। भूल तो रही है। क्या भूल रही हो? तुमने सुबह से कुछ खाया? सुबह से बेब्स की शादी की तैयारियों में लगी हुई है, कभी कटलरी, कभी डेकोर, कभी गेंदे का फूल, कभी डीजे। कुछ खा ले मिनी, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया? खा लिया था मैंने यार। मिनी झूठ। क्या खाएगी? तमो आंटी को बोलूं या मैं कुछ लेके आता? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है यार, मैं घर जाके खा लूंगी ना। और वैसे भी तुझे तो पता ही है, बेब्स मेरे बिना कुछ नहीं खाती है, डिनर साथ में ही होता है हमारा। मैं घर पे कुछ बना देती ना, क्या जरूरत थी पिज्जा ऑर्डर करने की? जी ये तो करना ही था ना। तो जी एक चीज तो महाराज बिल्कुल समझ में आ गई, लेडीज चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, मर्दों को कितना ही पछाड़ दें, लेकिन फिर भी उनका गिल्ट खत्म ही ना होता। इतना गिल्ट
जाने भाई इतना गिल्ट अपना सीने पे रखेंगी तो भाई कैसे काम चलेगा। वो भी ये सोच के कि अरे आज खाना ना बनाया तो के पाप हो गया क्या है। हो गया कोई बात नहीं। वैसे तो आप अन्नपूर्णा बनी रहती हो ना महारानी जी, आज ही तो रह गया। इट्स ओके, देखो हफ्ते में एक दिन तो भाई मारे की छुट्टी होती है, ऑफ मिलता है, तो आज आपको ऑफ। रेस्ट करो, पिज्जा खाओ। देखो जी, रोटी पकाओ वहां सुबह हो, रोटी पकाओ वहां सुबह हो, रोटी पकाओ एंड रिपीट। हमारी माँ की भी वही कहानी थी, कुछ तो फर्क आना चाहिए ना भाई। जनरेशन में गैप कितना है, तब तो सोच को बदलना होगा। वैसे आप आंसू बहोगे तो उन्हें भी अच्छा ना लगेगा। और फिर जो वीर वाली का है उसने स्ट्रिक्टली बोला है मन्ने, तुम्हारी बेबस का दिल ना दुखाना। कभी कभी सोचती हूँ इमरती जी कितनी लकी थी ना जो। देखो जी, देखो एक चीज मैं आपने क्लियर कर देता हूँ, बार बार जिससे आप इमरती का नाम लोगे ना, ना आप खुद उस चीज से उबर पाओगे ना मन्ने उबरने दोगे। देखो इमरती हमारा पास्ट थी, थी तो थी, मैंने उसे टूट के प्यार किया, लेकिन ईब उसकी यादों को ऐसे समेट के रखता हूं कि बार बार आप हमारे पास्ट को अपने प्रेजेंट में अगर घसीट के ले आ रहोगे तो फिर ना भैया आप खुश रहोगे ना मैंने खुश रहने दोगी। ईब आप और मैं लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, पुरानी चीजों को बातों को ऐसे कुरेत कुरेत के ना अपना जी मत चलाओ। वैसे एक बात बोलूं जी आपको, इमरती के लिए कोई पिज्जा ना मंगाया मैंने। क्यों? चाइनीज पसंद था उसे। देखो जी आप खाओ जी, पल्लो पकड़ो, आओ टेस्टी है। मिनी ने खाया होगा कि नहीं? जी मिनी छोटी थोड़ी है अभी, वीरबाली का बड़ी हो गई है, खा लेगी, फिर उसने खुद ही मना किया था जी। अपना ख्याल रखो जी, देखो के विभागे का जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है, तो भाई आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा ना, दुबली हो गई तो ऐसा ना हो कि ना खाओ पियो कोई चक्कर चुक्कर खा जाओ। आकर बेब्स में अभिषेक खान मिनी आना, तो ये पिज्जा ऑर्डर किया है वो है ना, आज मैंने कुछ बनाया नहीं है खाने में, तो तेरे हनुमान अंकल ने ऑर्डर कर दिया था, आजा खा ले। सॉरी बड़ा ढाई का सा पिज्जा मंगाया मैंने, बहुत बढ़िया है, डबल चीज के अंदर पनीर वाला, आजा खाएगी मजा आ जाएगा, आजा आजा आजा। लेकिन आप लोग, अरे शर्मा मत, तेरे को कोई दूसरी वैरायटी का पसंद हो, कोई दूसरे फ्लेवर, तो अभी फट से मैं ऑर्डर कर दूं, बता कौन सा खाएगी। नहीं बता तो सही तू, तेरे जो तेरे को पसंद हो। अच्छा मन लगा कि तू खाएगी ना, तो फिर मैंने तेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए मंगाया। तू बता तो ऑर्डर कर देता हूँ, अभी कौन सा खाएगी बोल। अरे कोई बात नहीं, मैं खा कर आई थी, नीचे मिकी के साथ थी ना तो मैंने खा लिया, मैं तो बस लैपटॉप रखने आई थी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। लेकिन तेरी रात में कहाँ जा रही है तू? मैं बस यूं ही आई, ठीक है बाय। मिनी मुझे लगता है कि आपने ना छोरी को कुछ ज्यादा छूट दे रखी है, एक्चुअली बिना बताए कहीं भी बात जाती है एकदम से।
अलग प्लेट में किस करी है? वो कई बार है ना बहुत देर तक जागती रहती है मिनी, तो भूख लग जाती है ना उसे, इसलिए निकाल के रख दिया है, खा लेगी अगर भूख लगेगी तो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.